प्रतिष्ठिता मनो में पाच प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मये धी वेदस्य मानिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां अवतु तद्वक्तार्थमवतु अवतु मां अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम श्री Yeah.
काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले हैं और काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से एक बार रामायण पे चर्चा करने जा रहा हूँ। बीच में जो अध्ययन का मुख्य विषय बन गया वो गीता जी और उपनिषद और रामायण, थोड़े से रामायण से संपर्क थोड़ा कम हो गया था बीच में, लेकिन भगवान को शायद ये स्वीकार नहीं था। तो शैलेश जी का प्रस्ताव था, मेरे मन में ये बात आई कि चार जो कक्षाएं हैं, चार कक्षाओं में रामायण का कौन सा प्रसंग लूं। उस समय जो भाव हृदय में आया तो मैंने नाम रखा उसका बीज रामायण। तो कई लोगों के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा ही कि बीज रामायण क्या होता है, तो हम आते हैं उस विषय पे धीरे धीरे। सबसे पहले जो लोग कुर्सियां छोड़ छोड़ के बैठे हैं उनको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग थोड़ा घने हो जाएं तो अच्छा है। आगे कुर्सियां खाली हैं। तो ठीक है, एतत् शोभनम्, पूर्वतरम शोभनम्। रामायण माने क्या होता है पहले हम इसको देखेंगे, शब्द कैसे बना। इसमें थोड़ा संस्कृत अभी मन में ज़्यादा घूम रही है तो तुम लोग उससे ज़रा परिचित हो जाओ, अच्छा लगेगा और बात बेहतर तरीके से कही जा सकती है। इसमें अय धातु है, अयते इति, अयते माने गच्छति। तो अय शब्द से अणुअल प्रत्यय लगता है तो बनता है अयनम, नारायणम जैसे शब्द बनाते हैं तो नरस्य अयनम इति नारायणम, नरैव नारः तो नरस्य अयनम, जो मनुष्य का हृदय ही जिसका घर है उसको बोलते हैं नारायण। तो ये जो अयन शब्द है ना, ये बहुत प्यारा शब्द है। यहाँ जो शब्द है आपका वो है रामायणम, थोड़ा जो है वो र के कारण हो गया, थोड़ा संस्कृत की बात है, अन्यथा शब्द था अयनम, लेकिन र के कारण न का अण होता है, वो अद्वैतानंद को मालूम होगा, पता नहीं याद होगा कि अभी तो ताजा है। रसाभ्याम नोड़ महर्षि पाणिनि का ये सूत्र है, तो वो कहता है कि र और श के साथ अगर न हो तो न का ण होता है।
इसलिए नारायण शब्द बोलते हैं, उसमें भी र है। रामायण शब्द बोलते हैं क्योंकि यहाँ भी र है। तो रामायण शब्द का सरल सरल अर्थ ये बना, रामस्य अयनम, भगवान श्री राम का जो निवास स्थान है, भगवान श्री राम का जो घर है, जहाँ भगवान श्री राम विराजते हैं, उस जगह का नाम है रामायण। तो हम लोग तो समझते हैं किताब का नाम है रामायण, लेकिन संस्कृत में अगर उसका अभिप्राय निकालें तो अर्थ बनेगा भगवान राम का जहाँ निवास है, भगवान राम जहाँ विराजते हैं, उस जगह का नाम है, उस घर का नाम है रामायण। और अयन शब्द का एक अर्थ और भी है, अयते इति अयनम, गच्छते इति। तो जिस रास्ते से हम चलते हैं उस रास्ते को भी अयन बोलते हैं। इसके लिए आपका जो परिचित शब्द है वो है उत्तरायण, दक्षिणायन, है ना। सूर्य भगवान जिस रास्ते से चलते हैं तो एक दो रास्ते हैं उनके छः छः महीने के। दक्षिणायन एक रास्ता है, तो जब धूप कम होती है, ऊष्मा कम होती है, थोड़ी सर्दी का दिन होता है, तब उसको बोलते हैं दक्षिणायन। इस समय दक्षिणायन आरंभ हो गया और ये जनवरी तक चलेगा, 14 जनवरी तक, माघ मास तक। इसके बाद जब गर्मी बढ़ना शुरू होगी और हमारे भारतवर्ष के हिस्से में जब प्रकाश की मात्रा बढ़ जाएगी, ऊष्मा बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा, तब उसको बोलते हैं उत्तरायण। तो आप कथा परिचित होगी, पितामह भीष्म शरशय्या पे, है ना, लेटे रहे, इतनी पीड़ा को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन मुहूर्त खोजते रहे कि जब वो उत्तरायण आवेगा तब वो शरीर छोड़ेंगे। माने शरीर की पीड़ा को बर्दाश्त करना चाहिए, मरने की जल्दी नहीं है। जीवन में जब उत्तरायण हो, माने सूर्य का प्रकाश बढ़े, ज्ञान का प्रकाश बढ़े, ठीक है, रोशनी में मरना चाहिए, बोध में मरना चाहिए। अज्ञानी रहते हुए मर जाना, ये क्या मरना हुआ। तो उत्तरायण की प्रतीक्षा, जीवन कोई इतना सरल तो नहीं है, ये बात तो सही है, जीवन कोई इतना हर समय सुखद होता है ऐसा नहीं है, एक सच्चाई है। अब उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, महोत्सव मनाते हैं, वो सही है, वो भी करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो लौट लौट के बार बार मन में ये बात आती है कि ये इतना सुख में तो नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि सुख में न होने पर भी साधन रूप तो है ही है। इसलिए पितामह उस जीवन को तब तक ले जाते हैं जब तक उनके जीवन में उत्तरायण नहीं हुआ। ये कथा का एक दूसरा रूप है। और उत्तरायण कब आया, जब भगवान कृष्ण सामने थे। भगवान कृष्ण स्वयं दर्शन देने के लिए पितामह भीष्म के पास पहुंचे थे रणभूमि में। पितामह भीष्म ने उनको स्तुति की
और स्तुति करते करते जैसे वो स्तुति पूरी हुई, भागवत में लिखा है कि उत्तरायण का प्रवेश हो गया और पितामह भीष्म ने भगवान का दर्शन करते करते आंखें बंद कर लीं। तो उत्तरायण का स्वरूप क्या है वो भी वहाँ पर अगर कोई समझना चाहता है तो वो समझ सकता है। भगवत साक्षात्कार सामने है, चित्त वृत्ति उसमें लगी हुई है। पितामह की स्तुति तो क्या अद्भुत स्तुति है। वो बोलते हैं मैंने अपने जीवन भर अपनी बुद्धि को साफ सुथरा रखा, ये जो मेरी सजाई संवारी बुद्धि है, धोई नहाई बुद्धि है, इस बुद्धि को मैं आपको समर्पित करता हूँ। इस बुद्धि के लायक दुनिया में और कोई नहीं है सिवाय भगवान के। इति मति रूपकल्पिता सात्वत पुंगवे विभूमि, ऐसे श्लोक आता है। क्वचित विहरतुम प्रकृतिम उपेयुषी, कभी कभी जो विहार करने के लिए प्रकृति को स्वीकार कर लेता है, ऐसे विश्वात्मा भगवान को मैं अपनी बुद्धि समर्पित करता हूँ। हाँ, ऐसी स्तुति करी और ऐसी स्तुति करते करते उन्होंने अपना जीवन छोड़ा। एनीवे, तो यहां बात चल रही थी कि अयन शब्द का दो अर्थ निकल आया। अयते यत्र इति अयनम, चल चल के जहां पहुंचा जाता है, अंत में जो अंतिम पहुंचने की जगह है उसको अयन बोलते हैं, घर। आप चलते हो कहीं से भी तो कहां पहुंचने के लिए चलते हो, घर। विश्राम देने वाला जो अपना घर है उस घर में पहुंचते हो। घर माने क्या होता है, ये तो गड़बड़ हो गई। कभी सोचा इस पे घर माने क्या होता है? मुझे जो समझ में आया वो ऐसा है कि जब हम कहीं भी रहते हैं तो हमारा रहना जो है वो जस्टिफाइड होना चाहिए। तो जब मुझे जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है कहीं रहने के लिए, शुल्क देना पड़ता है कहीं रहने के लिए, कोई कारण होता है कहीं रहने के लिए, तो वो जगह घर नहीं होती। जब आप दूसरे के घर जाते हो तो पूछता है क्या सेवा करूं, माने आपका प्रयोजन क्या है वो हमको बता दो, उसको हम पूरा करें और आप है ना। कोई लोग पूछते हैं कितने दिन हो आप यहाँ पे, हमारे बच्चे बोल ब्रह्मचारी जी लोग, स्वामी जी लोग भी बोलते हैं जो माने लगे हुए हैं। तो अपने आश्रम में भी जाएंगे तो ये बात हो सकता है कोई पूछ ले कि अगला प्रोग्राम कब है। तो कितने दिन हो आप, तो वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि कितने दिन हो, लेकिन समझने वाला समझता है कि क्या पूछा जा रहा है। तो व्हेन यू हैव टू जस्टिफाई योर स्टे, वो जगह आपको लगता नहीं है कि ये मेरा घर है, कि वहां निमित्त चाहिए, कारण चाहिए रहने के लिए। और वो निमित्त जैसे ही हटेगा
वैसे ही वहाँ रहना हमारे लिए भारी होने लगता है। और हमको अगर कोई सेंसिटिव व्यक्ति है और कोई बहुत मजबूरी नहीं है तो एक एक दिन जो है उसके लिए भारी होता है। तो आप घर होने का जो एहसास आपको होता है, जहाँ कोई ये न पूछे कि आप कब तक हो यहाँ और किस कारण से हो, ठीक है ना? बिना निमित्त के, बिना कारण के, बिना प्रयोजन के, बिना किसी प्रश्नोत्तर सेशन के जहाँ आप रहते हो, रह सकते हो, उसको आदमी महसूस करता है। हालांकि हम लोग बेघर हैं, हाँ, तो कई घर वाले बैठे हैं यहाँ, तो उनको घर की परिभाषा बताना पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन दिस इज व्हाट द फीलिंग ऑफ होमली फीलिंग जिसको आप बोलते, निर्नैमित्तिक रूप से जहां रह सके। निमित्तम विनैव, जहां पे ये जस्टिफाई न करना पड़े कि आई एम हियर बिकॉज आई हैव सम पर्पज टू स्टे हियर, तो जीवन में ये चलता रहता है। कंपैरेटिवली हमें जो मेहनत से हम घर बनाते हैं तो उसमें ये फीलिंग आ सकती है, पॉसिबल है कि जहाँ पे मैं पॉसिबल बोल रहा हूँ कि वहाँ पे ये फीलिंग आ सकती है कि अच्छा ये हमारा घर है, लेकिन कई बार वहाँ भी मुश्किल हो जाती है। तो बच्चे ही जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो फिर नहीं, पेरेंट्स सोचते हैं जॉब लग जाए तब तो जस्टिफाइड है, अदरवाइज ही शुड सर्च फॉर द जॉब। तो ये कब तक रहेगा घर में, पढ़ाई तब, पढ़ाई वॉज ए जस्टिफिकेशन टू स्टे इन योर ओन होम। जैसे ही एकेडमिक लाइफ पूरी हुई देन ये हमारे युवकों का जो एक एक थोड़ा सा पीरियड सबके जीवन में आता है व्हेन दे फेस दिस फीलिंग। तो कोई कहे नहीं तब भी यू फील इट, एंड इफ यू हैव द जॉब then your stay is again justified so you have the home। बुजुर्ग जब, बहुत लोग साथ ऐसा होता है, वार्ता उनको बिना ये होने लगता है, वहां भी हो सकता है, लेकिन यूटिलिटेरियन है ना हम लोग, उपयोगितावादी हैं, फिर भी अपेक्षिक रूप से कंपैरेटिवली कहीं पे लगता है कि दिस इज माय होम। कंपैरेटिव फीलिंग है ये, अगर डेप्थ में जाएं तो इट्स अ रिलेटिव फीलिंग, कंपैरेटिव फीलिंग। शरीर भी घर कहा जाता है, यहां आप रहते हो और हमको लगता है कि बिना निमित्त के रहते हैं, सही नहीं है ये। यहाँ हमने प्रारब्ध का किराया चुकाया है एडवांस में और इसलिए शरीर में रहते हैं, और जिस दिन वो किराया पूरा हो जाएगा देन वी विल नॉट बी अलाउड टू स्टे हियर। Then jivatma has to search some another home or house, whatever you say,
इस तरह से हम एक एक घर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो असली जो घर है वो तो फिर आप समझो बहुत दूसरी बात है। वो अब वो वेदांत की बात कहेंगे, वो है स्वरूप निष्ठा, स्वरूप में अवस्थान, अपने चिदानंद स्वरूप में अवस्थान, जहां पर रहने के लिए कर्म का निमित्त नहीं चाहिए, किसी निमित्त की जरूरत नहीं है। वो आपका अपना असली असली स्वरूप है, सुन के रखना चाहिए कि ऐसा भी कहा जाता है, वो हमारा असली घर है। उस घर तक पहुंचाने का जो रास्ता है, उस घर का नाम राम है, ठीक है, घर का नाम भी तो रखते हैं ना, सब लोग अपने घर का एक नाम रखते हैं। तो हम सभी का जो असली घर है, उस घर का नाम है श्री राम। और उस घर तक पहुंचाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते को भी बोलते हैं रामायण, ठीक है। रामस्य अयनम, अयनम माने मार्गम। तो अपने स्वरूप भूत श्री राम तक पहुंचाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग को बोलते हैं रामायण। दोनों अर्थ पकड़ के रखना। और जहां राम जी विराजते हैं, राम जी निवास करते हैं, जहां जाके मैं उनसे मिल सकता हूं, जहां जाके मैं उनके बारे में जान सकता हूं, उनके वेश के बारे में, उनके लीला के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनके धाम के बारे में, जहां जाके मैं उनके बारे में जान सकता हूं। किसी को जानना हो तो कहते हैं उसके घर जाओ। ऑफिस में जाने से असली पता नहीं लगेगा, उसके घर जाओ तो पता चलेगा। तो राम जी को जानना हो तो राम जी के घर जाओ। उनका घर क्या है? बोले रामायण। नाम ही बोल रहा है कि ये उनका घर है। जाऊं कैसे, रास्ता क्या है? बोले रामायण। लक्ष्य भी और मार्ग भी, श्री राम प्रभु रूपी लक्ष्य की स्थिति जहां है, उसका बोध जहां होता है, वो भी रामायण। और जिस मार्ग से वहां तक हम पहुंचते हैं, वो मार्ग भी रामायण। तो ये तो असली अर्थ हुआ, व्युत्पत्ति का अर्थ हुआ। व्युत्पत्ति माने एटमोलॉजी। तो संस्कृत से जो अर्थ निकलता है वो है रामायणम। और रामायण जो है इस देश में, तो अब ये सृष्टि जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी रामायण है, क्योंकि हर कल्प में रामायण थी। गोस्वामी ने लिखा, कल्प भेद करी चरित सुहाए। तो सृष्टि कल्प कल्प में होती है और हर कल्प में रामायण होता है। नेचुरली राम जी के बिना सृष्टि थोड़ो होगी तो रामायण तो होना ही चाहिए सृष्टि में। इसलिए कितना पुराना है ये इतिहासकार लोगों की बात अलग है, लेकिन अध्यात्म शास्त्र के अनुसार ये 5,000 और 8,000 और 3,000 और कुछ अरब वर्ष, इस तरह से हम लोग ज्यादा गिनना नहीं चाहते। ये तो प्राचीन है उतनी ही जितनी जितनी सृष्टि प्राचीन है।
हर बार सृष्टि में त्रेता होता है, हर बार सृष्टि में त्रेता में भगवान अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। तो रामायण का ये स्वरूप है। नाउ इसके दो पहलू हैं, जरा इसको भी समझना चाहिए और हमारे बच्चे तो जरूर समझें इसको। एक तो शब्द बोला जाता है मैथोलॉजी, सुनन हिंदू मैथोलॉजी, एक शब्द ये बोला जाता है। तो उसके हिसाब से तो रामायण मैथोलॉजी शब्द तो मिथ से बनता है। तो कई बार हम अनजाने में बोलते रहते हैं हम लोग आपस में एक दूसरे से, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि तुम लोग ना बोला करो कभी, मैथोलॉजी शब्द ठीक नहीं। माने ये तो फिर एक काल्पनिक चरित्र है, एक तरह से नॉवेल है, एक तरह का साहित्य है, जो जिसके सारे पात्र आपके काल्पनिक हैं, तो एक तरह का उपन्यास हो गया, वो तो ठीक नहीं है। हमारा जो शब्द है वो है पौराणिक इतिहास, और अगर शास्त्रों की भाषा में बोलें तो रामायण और महाभारत दोनों को इतिहास कहा जाता है। पुराण शब्द भी नहीं लगाते, इतिहास बोलते हैं। इतिहास माने इति ह आस माने ऐसा प्रसिद्ध था, ऐसा हुआ और वो प्रसिद्ध हुआ। जो कुछ भूतकाल है सबको इतिहास नहीं बोलते। इतिहास के पन्ने में भीड़ का नाम नहीं होता, नो नो। वो घटना या वो व्यक्ति ऐतिहासिक होता है जिसके जिस घटना का प्रभाव मानव जाति पर पड़े, दूर तक पड़े, व्यापक रूप में पड़े और लंबे समय तक पड़े, उस घटना को फिर इतिहास में दर्ज करते हैं। तो हम लोग जब मुगल पीरियड पढ़ते हैं, खिलजी पीरियड पढ़ते हैं, अथवा गुप्ता पीरियड पढ़ते हैं, मौर्य पीरियड पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कितने नाम आते हैं, 10-20, एक एक पीरियड में मुश्किल से 20 नाम, 15 नाम आते हैं। तो क्या उस समय उतने ही लोग थे? लाखों करोड़ों लोग होंगे, लेकिन सबको इतिहास में नहीं गिना गया, क्योंकि उनका कोई भीड़ का कोई इतिहास नहीं होता। इतिहास बनाने के लिए एक बड़ा खास व्यक्तित्व चाहिए, जिसका प्रभाव हो, मानव जाति पर प्रभाव पड़े। तो महाभारत इतिहास है, जब ऐसा कहा जाता है तो उसका अभिप्राय है कि उसके जो पात्र हैं और जो घटनाएं हैं वो इतनी व्यापक प्रभाव वाली हैं, आज तक उनका प्रभाव है। भारतीय सोच में महाभारत शामिल है, भारतीय जीवन पद्धति में महाभारत शामिल है, भारतीय दर्शन में महाभारत शामिल है। आखिर गीता जी महाभारत में ही है, भारतीय जीवन शैली में रामायण शामिल है, बताओ। तो एक घटना घटी और उसका चिरकाल का प्रभाव पड़ा, इसलिए इसको हम इतिहास बोलते हैं। और घटना घटी इस बात को याद कराने के लिए हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था बनाई किताब के अलावा, वो व्यवस्था है त्योहारों की व्यवस्था, पर्व व्यवस्था। पर्व एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था है जिसको हम लोग मनाते हैं। अभी दशहरा मनाया हम लोगों ने,
तो किसी ने हमको आदेश नहीं दिया, कोई सरकार ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया, लेकिन जहाँ तक हिंदू लोग हैं तो वो सब लोग दशहरा मनाते हैं, याद करते हैं कि आज के दिन कभी त्रेता में आज के दिन ये घटना घटी। तो उस घटना की तारीख किताब में तो दर्ज नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन जनजीवन में जो पर्वों के रूप में, त्योहारों के रूप में जो घटनाएं हैं वो जीवित रहती हैं। सबसे बड़ा सुविनियर मानवीय जीवन में सबसे बड़ा सुविनियर ये त्योहार है जो याद कराते हैं आपको। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लोग बड़े विद्वान लोग थे और धार्मिक लोग थे, तो उन्होंने भी कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई कि 15 अगस्त त्योहार बन जाए, 26 जनवरी त्योहार बन जाए। अभी तक तो नहीं बना, कोशिश होती है। अभी तक ये सरकारी त्योहार है, स्कूल के बच्चे मनाते हैं, हम लोग भी साफ साफ कपड़े पहन के उस दिन तो जुलूस निकालते थे, बड़े होने पर बंद हो गया वो। लोग उस दिन छुट्टी मना लेते हैं, चले जाते हैं कहीं टूर पे लेकिन दशहरा, दीपावली, रामनवमी, जन्माष्टमी, ये जो हमारे त्योहार हैं वो तो मनाए जाते हैं। अभी 26 तारीख को दीपावली आएगी, पूरा देश मनावेगा। बताओ क्या मनाने का मतलब क्या है? उस दिन को, उस घटना को, उस व्यक्ति को याद करना, ये एक अद्भुत व्यवस्था ऋषियों ने की कि जो घटनाओं चाहते थे कि हमारा मनुष्य जाति याद रखे, भूलने न पाए, उसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला, उसको त्योहार बना दिया। और वो जनता में ऐसे रच गया, बस गया कि बस वो निकाले नहीं निकलता। अगर कोई नास्तिक हो और दिवाली न मनाए तो अगल बगल वाले लोग पूछेंगे कि आपके घर में कोई अगर वो रोशनी न करे, है ना, बिजली की झालरें न लगाएं, तो जरूर बगल वाले सोचेंगे कि अरे कुछ लगता है इनके घर में कोई गमी हो गई है कोई तो वो नहीं भी चाहता होगा, राम को याद नहीं भी करना चाहता होगा, तो आउट ऑफ सोशल कंपल्सन ही हैज टू सेलिब्रेट, ही हैज टू पार्टिसिपेट। एंड इट हैज बीन अडॉप्टेड बाई ऑल द रिलीजन्स। ये जो पर्व व्यवस्था है, ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां पर्व ना हो। आखिर क्रिसमस डे मनाते हैं लोग, किस लिए मनाते हैं? तो याद कराने के लिए मनाते हैं कि आज के दिन क्राइस्ट वॉज बॉर्न। तो ये मिथ नहीं हो सकता। अगर क्रिसमस सच है तो रामनवमी क्यों सच नहीं है? अगर क्रिसमस सच है तो जन्माष्टमी कैसे सच नहीं है? और मैंने गोल्ड मेडलिस्ट हिस्टोरियन से पूछा कि आप लोग क्या बोलते हो हमारे रामायण को और इतिहास को, इतिहास के मानकों के भीतर, मानक माने पैरामीटर्स, तो इतिहास के मानकों के अनुसार रामायण को आप क्या बोलते हो? और मुझे जो उत्तर दिया हिस्टोरियन ने, वी से इट इज प्री हिस्टोरिकल
पीरियड, हमने कहा प्राग ऐतिहासिक काल है ये। अरे व्हाट डू यू मीन भाई प्राग ऐतिहासिक, इतिहास तो हमेशा ही प्राग होता है, माने हिस्ट्री इज ऑलवेज प्री ओनली, कांट बी फ्यूचर। तो अगेन यू एड दिस वर्ड प्री हिस्टोरिकल पीरियड, वाई कांट यू से मैथोलॉजी, बोल वी कांट से स्वामी जी हम तो रिसर्च करते हैं, तो जब तक हमारी रिसर्च पूरी ना हो तब तक वी डेयर नॉट टू डिक्लेयर कि यस आवर रिसर्च इज ओवर, दीज आर द थिंग्स कॉल्ड मैथोलॉजी, मिथ है वो। जब हमको ये दिखाई देता है कि द्वारिका है और द्वारिका में एक नगर डूबा हुआ है, अभी तक हमारे पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि उसको हम अनुसंधान कर सकें, तो सडनली वे गेट अप एंड डिक्लेयर कि आवर रिसर्च इज ओवर, वी कांट डू दैट। जब अयोध्या है, जब पंचवटी है, जब नासिक है, जब चित्रकूट है, जब वो सारी नदियां हैं जिनका उल्लेख है, जब रामेश्वरम है, जब पूरा रास्ता जिस रामायण में जो मार्ग बताया गया है, द होल थिंग इज अवेलेबल एंड फ्रॉम व्हाट पीरियड व्हाट पॉइंट इट इज स्टार्टेड, जनरेशन टू जनरेशन लोग उस तीर्थ में जाते हैं और उस बात को याद करते हैं। तो एज ए हिस्टोरियन वी डेयर नॉट टू से दिस, बट यस अगर कोई पॉलिटिशियन होगा ही विल डेयर टू से दैट, टू अपीज समवन। टू आपको मालूम होगा पिछले गवर्नमेंट में हमारे कानून मंत्रालय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में, शेमफुल है ना, एफिडेविट शपथ पत्र दिया उन्होंने कि कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं कि राम जैसा कोई ऐतिहासिक पात्र था। लॉ मिनिस्टर मिस्टर भरद्वाज, जब ये न्यूज आई एंड फॉर्चुनेटली सेकेंड डे मुझे कहीं फंक्शन में जाना था, बहुत बड़ा फंक्शन था, तो मैंने ये बोला उस मंच पर कि जो हम लिबरल हिंदूज हैं आप उनको भी फैनेटिक मत बना दो, इफ यू गो ऑन हर्टिंग अस देन इवन द लिबरल हिंदूज विल बिकम वन डे मोर फैनेटिक टू सेव देम सेल्फ। हम लोग घृणा को पसंद नहीं करते, किसी के साथ घृणा नहीं करना चाहते, घृणा इज अ नॉन स्पिरिचुअल इमोशन, लेकिन देन यू फोर्स अस लाइक दिस। मंच पे बोला मैंने ये, 14,000 लोग बैठे थे, 14,000 लोग, ऑल द बिग लीडर्स वेयर सिटिंग। मैंने कहा भी हिमाचल की बात है, मैंने कहा भी कि तुम लोग बोलो, बोले नहीं स्वामी जी तो हमारा बोलना मुश्किल होगा। ठीक है हम बोलते हैं। खैर वो दूसरे दिन एफिडेविट वापस ले लिया उन्होंने। उनको हर जगह से खबर मिली होगी कि ये तो कुछ उपद्रव हो जाएगा, लेकिन दे डेयर्ड। तो इसलिए इतना याद रखना चाहिए कि लोग तो बोलते रहते हैं अनजाने में, जानबूझ के अनजाने में, आप न बोलना कभी ये सब, ये तो हमारा इतिहास है, ये हुआ है, और हमें हमारा जो वैल्यू सिस्टम है इसको ध्यान में रखना। इसको आई विल रिपीट दिस, हमारे पूरे भारतवर्ष का जो वैल्यू सिस्टम है उसका जो मेन सोर्स है वो रामायण है। वी इनहेरिट द वैल्यू सिस्टम, राम ने जो किया वो सही,
राम ने जिसको गलत कहा उसको हम लोग आज भी गलत मानते हैं। देखो, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, ये मार्क टुली ने कहा था। मार्क टुली का नाम जानते हो, ये बीबीसी के सबसे बड़े रिपोर्टर थे इस देश में, और इतना भ्रमण किया इस देश में जितना हम लोग नहीं कर पाते, तो देश के बारे में बहुत अच्छा समझते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आपने इतना भ्रमण किया हिंदुस्तान को, तो क्या आपको कहना है, खास बात कोई एक दो बात, एक दो वाक्य में बोलिए। तो पहला वाक्य, दूसरा मैं नहीं बोलूंगा, पहला वाक्य जो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए पेक्यूलियर कंट्री, व्हाट आई फाउंड कि यहाँ जो इलिटरेट है वो इडियट नहीं है। इलिटरेट इज नॉट ए इडियट, मेनी टाइम ही इज मोर मेच्योर देन अ लिटरेट फेलो। He deals with his family problem with greater maturity, his own social problem with greater maturity than the literate one. और उसी ने ये बात कही थी, the reason is that they inherit the value system from Ramayana. That is the root of this country. ये उसने कहा था, अंग्रेज ने, दैट इज द रूट ऑफ दिस कंट्री। रूट जीवित रहती है तो पत्ते हरे रहते हैं। व्हेन वी आर अपरूटेड तब पेड़ सूख जाता है। तो रामायण हमारा इतिहास है। प्राग इतिहास से क्यों कहा वो मैंने पूछा उनसे, उन्होंने कहा बिकॉज अभी तक हमने इसको रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं लिया है, लेकिन जिस दिन हमारी रिसर्च कंप्लीट होगी और हम इस निर्णय पे पहुंचेंगे कि इट हैज बीन द हिस्ट्री, तो वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के दो हिस्से हो जाते हैं, एक प्री हिस्टोरिकल पीरियड, एक हिस्टोरिकल पीरियड, माने जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है और एक अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री है। ये तो ऐतिहासिक दृष्टि से मैं बोल रहा हूं रामायण के बारे में। सो ये दो ग्रंथ हमारे जो है ना, ये इतिहास कहे जाते हैं। पुराणों को हम लोग इतिहास नहीं बोलते, पुराण बहुत एक व्यापक विषय है। तो समय तो हो गया, एक दो वाक्य पुराण के बारे में बोलता हूं। पुराण माने होता है पुरा अपि नवा इति पुराणा, माने जो पुराना भी है और अत्यंत नवीन है उसको पुराण कहते हैं। पुराना से पुराना होने के बावजूद जो अतिशय नवीन है उसको पुराण बोलते हैं। हमारे प्रमाणों की भाषा में इसको बोलते हैं संभव प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण इतिहास है और संभव प्रमाण पुराण है। ये भी एक हमारा प्रमाण है वैदिकों का। भारतीय दर्शन शास्त्र में ये एक प्रमाण है, इसको समझना। संभव प्रमाण माने इफ इट इज नॉट पॉसिबल ये हुआ है और होगा भी, इफ इट इज नॉट इम्पॉसिबल। आप ये बताओ कि ये असंभव है क्या? अगर कोई चीज असंभव नहीं सिद्ध कर सकते तो वो हुई भी थी, है भी और होगी भी। ये एक तरीका है सोचने का, उसको बोलते हैं टेक्निकली संभव प्रमाण। आप अंग्रेजी में चाहो तो कहो लॉ ऑफ पॉसिबिलिटी। कहीं हमने अंग्रेजी में किसी से वाक्य सुना था कि व्हाट मैन हैड अचीव्ड
what man had done that man can do. तो मैंने कहा ये तो हमारा वाला है ये तो हमारे संभव प्रमाण की तरह बोल रहे हैं. जो हो सकता है वो हुआ था और जो हो सकता है वो आगे भी होगा. तो जब हम पुराण पढ़ते हैं तो संभावनाएं देखते हैं. जब कोई कहता है कि पता नहीं अवतार हुआ कि नहीं, तो हम कहते हैं क्या ये असंभव है क्या? वो बताओ आप कि भगवान अवतार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. इफ यू प्रूव दैट इट इज इम्पॉसिबल, वी एक्सेप्ट इट. तो इट इज योर ड्यूटी नाउ टू प्रूव दैट दिस इज इम्पॉसिबल, एंड आवर ड्यूटी इज टू निगेट योर ऑल द लॉजिक्स. हम कोई अवतार सिद्ध नहीं करते. जिनकी बुद्धि में वो असिद्ध हो रहा है उनकी बुद्धि की असिद्धि को असिद्ध करते हैं. तो ये पुराण का लक्षण अलग है, इतिहास का लक्षण अलग है. पुराण में संभावना बताने के लिए तो काल्पनिक कथाएं भी हो सकती हैं, लेकिन इतिहास में काल्पनिक बात नहीं होती. ये दोनों का फर्क होता है. तो क्या हम लोग इतिहास पढ़ने बैठे हैं यहाँ? हम लोग रामायण पढ़ने बैठे? हम लोग अध्यात्म पढ़ने बैठे? तो रामायण एक तरफ तो इतिहास है, इसको कभी नहीं भूलना. दूसरी तरफ ये वर्तमान है, चिर नवीन है. क्योंकि जिसका ये इतिहास है वो जब अवतार लेता है तब तो इतिहास बनता है, लेकिन जब वो भीतर अंतर्यामी रूप से रहता है तब हमेशा वर्तमान होता है. इस समय भी है, अभी है, यही है, भीतर इस समय वो वर्तमान है और वो चरित्र कर रहा है. वो भी रामचरित है. अंतःकरण के संदर्भ में वो चरित्र करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है. बोलो आप, आपको कायरता अच्छी लगती है? बोलो. डरपोक जीवन अच्छा लगता है? किसी के बारे में सुना जाए तो मैं माला पहनाऊंगा उसको, यह आदमी कायर है इसलिए इसको पद्मश्री दिया जाए. तो कायरता को सभी लोग नापसंद करते हैं. क्यों? वाई दिस कॉमन डिसलाइकिंग, यूनिवर्सल डिसलाइकिंग? नहीं, क्योंकि हम तो एक खाना पसंद करते हैं दूसरा नहीं करते, एक कलर पसंद करते हैं दूसरा नहीं पसंद करते, एक आदमी पसंद करते हैं दूसरा नहीं करते, एक जगह को पसंद करते हैं दूसरी जगह को पसंद नहीं करते. वी आर नॉट हैविंग द कॉमन टेस्ट. बट ये कैसे हुआ कि सभी लोग कायरता को नापसंद करते हैं? ये कैसे हुआ? क्योंकि भीतर वाला सबके एक है, ध्यान रखना. एंड ही डजंट लाइक दैट. ये उसका चरित्र है, यह आपका हमारा नहीं है. भीतर वाला सब में एक है और उसकी ये पसंद नहीं है. सभी लोग सत्य का आदर करते हैं. क्यों? भीतर वाला एक है,
इसलिए दिस इज द कॉमन फैक्टर इन अस। इसको एक बोलते हैं शाश्वत जीवन मूल्य, सभी में जो एक लाइकिंग होती है, हु कंट्रोल्स। आप जब कोई संकल्प लेते हो अच्छा बुरा, तो बुरा संकल्प लेते हो तो भीतर कोई मना करता है, करता है ना, ये ठीक नहीं हुआ। वो कौन मना करता है, वो किसका चरित्र है? वो हमारा नहीं है, वो राम जी का ही है। हम उनकी अनसुनी करके फिर करते हैं, और करते हैं लौट के आते हैं तो फिर डांट पड़ती है, फिर बताते हैं कि मैंने मना किया था, कुछ हासिल नहीं होगा, क्या मिला तुमको। देखो तो एक जो अंतर्यामी रूप में प्रभु राम हैं, वो वर्तमान हैं, और उनका भी नित्य चरित्र है। वो चरित्र जो समझता है भक्त ना, इधर वो मस्त रहता है। उस चरित्र को निहार करके प्रसन्न होता है, उस चरित्र को देख के रीझता है, क्या क्या लीला है प्रभु। वो जो रामचरित्र है उसको भी लिखना है ना, उसको हम आप तो ज्यादा समझते भी नहीं है कि भीतर बैठ के क्या लीला कर रहा है। तो शिव जी ने कहा कि लोगों को समझाने के लिए लाओ मैं लिखता हूं। तो तुलसी बाबा ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रामायण नहीं रखा, उसका नाम रखा रामचरितमानस। अगले सत्र में कल अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आगे बताएंगे शैलेश जी कुछ, हम पूरा करते हैं। हाँ भी बताएं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शुभ कैलाशपति।